ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को मेरी यूट्यूब की फैमिली। ये मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है मुझे, ये सारी चीज़ें मेरे बेडरूम में जाएगी, वहाँ मुझे मेकओवर करना है। चलो बेटा। तो फ्रेंड्स आप अभी देखिए, ये मेरा रूम है, अभी चांद रात है। अब ये देखिए यहाँ फ्लावर्स पड़े हैं अभी, एंड अभी सारा कुछ किस टाइप का है आप देख लीजिए सब कुछ। एंड फिर जब इसका मेकओवर हो जाएगा ईद के लिए, तब मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद का दिखाऊंगी। इस रूम में देखिए ये सारी चीज़ें अभी जो पड़ी हैं वो सब कुछ लग जाएगा, सारी चीज़ें फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मेकओवर ईद के लिए स्पेशली। ये कर्टेंस, ये कारपेट मैंने वो वाला चेंज करके ये मार्केट से ले लिया, एंड ये बेडशीट, कुशन कवर सब मैं आपको शो करती हूँ अभी। ये माशाल्लाह से मेरे और बाबू के ईद के कपड़े, ऐसे तो मेरे 4 हैं बट वो दोनों अभी काफ़ी अंदर हैं तो मैंने उसे नहीं निकाला, मुझे ये वाला ब्लैक वाले कल पहनने हैं। ये ब्लैक कलर का है, इसका पैंट है ये, एंड ये इसके दुपट्टे, एंड दूसरा ये है मेरा, ये इसका दुपट्टा है, और ये मेरा। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये माशाल्लाह से मेरे बेटे के सारे कपड़े हैं जो उसकी नानी और दादी ने ईदी में दिए हैं, बहुत सारे, और सभी मुझे बहुत पसंद हैं। सारे क्लॉथ्स इसके बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, देखिए आप लोग, बहुत सारे माशाल्लाह से। तो ये ब्लैक है पहनने का, तो मैं उसके लिए ही मैचिंग कुछ निकालूंगी, बट कल मैं पहनूंगी तब आप लोग देख लेंगे। देखिए मैं मैच कर रही हूँ, इस पर ही मैच हो रहा है, मैं अभी यहाँ पर हैंग कर दिया है। देखो चांद नज़र आ गया, और आज चांद रात हो गई। इधर मैं शनिवारी मटन कढ़ाई बना रही थी जिसमें टोमेटो बहुत पड़ते हैं, तो साथ ही साथ मेरे सारे काम चल रहे थे चांद रात को। इधर मैं और मेरे बेटा ईद की तैयारी में लगे हुए थे घर को डेकोरेट करने में, बाबू मेरा बहुत हेल्प कर रहा था। माशाल्लाह से मेरे ईद में घर की तैयारियां चल रही हैं कल के लिए, आज चांद रात है। आप लोग मेरा ईद का मेकओवर लास्ट में देखेंगे कंप्लीट। मैंने अभी गद्दा चेंज किया कवर, एंड ये फ्लावर पॉट अरुष ने सजाया है। कैसा लग रहा चांद रात अरुष? बहुत अच्छा माशाल्लाह। आज चांद रात है, सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ये मेरा दीवान का कवर कैसा लग रहा है? ये बताइए ये दोनों में कौन सा परफेक्ट लग रहा है इस पर, इस कवर पे? अभी मैंने दोनों सेलेक्ट किया है कि तुम लोग क्या बोलते हैं कौन सा बेहतर है? ईद का बोलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो। वेरी गुड, उम्मा करो, उम्मा करो, उम्मा बाबू तुम भी कर रही हो डेकोरेशन? हाँ ईद का डेकोरेशन देखो, दादा भी पकड़े हैं, भाई भी पकड़े हैं। अरे बाबू का क्या हाल है, भाई क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है? हाँ नहीं बोला ना किससे? अच्छा हम बात करते हैं। बाबू सरीश देखो चाचू क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ, यहाँ कर्टेंस लगा रहे, देखो तो, देखो यहाँ कर्टेंस लग रहा है।
यहाँ पर मैं बड़ों के लिए सौंफ एंड बच्चों के लिए टॉफी वो डेकोरेट करने लगी थी एक जार में, ताकि जिसका दिल करे वो खाए ईद के पर्पस से। बट चांद रात में बहुत ही मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से, सब लोग बहुत इंजॉय किया, साथ में काम किया, पूरा घर डेकोरेट किया। एंड ये ब्लॉग मैं इधर ही डेकोरेशन पे ही फिनिश्ड कर दूंगी, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको सुबह की तैयारियां ईद का सारा कुछ दिखाऊंगी कि कौन कौन आए, हम लोगों ने क्या पहना, क्या खाया, नमाज के लिए गए, सारी चीज़ें फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो ये दादी टोपी लाए, कितना प्यारा लग रहा है तुम्हारा, इसमें सेट भी कर रहा है, यही पहन कर जाओगे समझे। ये मेरा पहले रूम एंड नेक्स्ट इसका इसी रूम को देखिए आप, अब बताइए कैसा लग रहा है ये। एंड ये हॉल का मेकओवर है मेरे, कंप्लीट हो गया मेरा डेकोरेशन। एंड ये डाइनिंग स्पेस का है। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।